हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक इंडिया टेक। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जो CITS का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुई थी 17 जुलाई को, तो अब उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसका रिजल्ट भी पब्लिक हो चुका था। अब फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसके बारे में देखेंगे, जो कि यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि CITS सेशन 2022 सेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक क्लिक हियर्स डाउनलोड प्रोस्पेक्टस एंड प्रोसेस। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हम जाके देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डेट कहाँ से कहाँ तक रखा गया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, इसका जो है डेट 12/8/2022 से ही एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि आज के डेट से ही हो चुका है। और ये जो है 19/8/2022 तक रहेगी। और यहाँ पे आगे मेंशन किया गया है कि लॉगिन एंड सिलेक्ट योर चॉइस क्लिक किया। अब उससे आगे भी मतलब देखेंगे कि जैसे उसको हम सिलेक्ट करेंगे तो क्या क्या प्रोसेस आ सकता है और उसमें क्या हमसे मांगा जा रहा है, क्या क्या डिटेल मांगा जाएगा और क्या फी स्ट्रक्चर रहेगा, तो वो सारा इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो जैसे हम इसको क्लिक हियर पे जाएंगे तो देखते हैं कि आगे क्या आ रहा है हमारा। तो जैसे इसको हम क्लिक हियर किए, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ गया और रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है, उसको डालने के बाद ही आपका जो है सारा डिटेल फिलअप करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ व्यू एग्ज़ाम जो है दिया गया है, कुछ सीट्स दिया गया है, व्यू सीट्स इन इंस्टीट्यूशन और व्यू योर मार्क्स इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, ये सब आप लोग देख सकते हैं कि कितना सीट्स है कौन कौन सा इंस्टीट्यूट्स में और आपका मार्क्स कितना आया, वो भी डिटेल आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद ही यहां पे जो है जीमेल और मोबाइल नंबर डाल के आप लोग अपना लॉगिन कर सकते हैं और सीट को अलॉटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर किसी को फ़ी पेमेंट करना है पूरा काउंसलिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पूरा सेटिस्फाइड हो के ये अपने इच्छा के अनुसार जो कॉलेज सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है, तो आप सबमिट करके पेमेंट भी कर सकते हैं। और किसी को अगर इस तरह से जानकारी अच्छी तरह से नहीं, तो पहले अच्छी तरह से समझ लें कि हमको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट में जाना है या प्राइवेट IIT में जाना है, तो वो पहले से ही सिलेक्ट कर लेना। बात करेंगे हम लोग यहाँ के गवर्नमेंट ITI या गवर्नमेंट NSTI या ITI, मतलब दोनों सेम ही होता है, बट फी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, फी स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, बट सर्टिफिकेट की वैल्यू वही होती है। तो आइए दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे किसी एक कैंडिडेट का लॉगिन करके देखते हैं और उसमें क्या मेंशंस रखता है। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक कैंडिडेट का जो है मार्क्स आया है और उसका जो है दिया गया है यहाँ पे, फिर मेंशन क्या किया गया है कि योर टेंटेटिव रैंकिंग इज साउंड ऑन द फर्स्ट चॉइस सिलेक्टेड, इन केस योर नीडेड टू सी द रैंकिंग ऑफ अदर चॉइस या रीसेलेक्ट देम इन द फर्स्ट चॉइस, यानी कि ये जो कैंडिडेट हैं इनका जो मार्क्स है फर्स्ट काउंसलिंग के लिए सिलेक्ट किया गया और ये फिटर से हैं, और भी जो कैंडिडेट अलग अलग ट्रेड से हो सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हैं आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम मैंने ऐसे ही सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ कि इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग NSTI, और आप इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आपको लास्ट जो है फाइनल जो सबमिट ऑप्शंस में जाना है, जो कि यहाँ पे आएगा। सबमिट ऑप्शंस में जाने के बाद ही आपका फी मांगा जाएगा, जो कि फ़ी पेमेंट कर देना। अगर जो सेटिस्फाइड नहीं है कि हमको अभी यहाँ पे नहीं जाना है, सोच समझ के काम करना है कि कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, तो ये सब करने के बाद आप फी पेमेंट कीजिएगा, नहीं तो फिर अदरवाइज़ आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आपको सिलेक्ट कर लेने के बाद आप उसी में से 5 जो कॉलेज सेलेक्ट किए हैं उसी 5 कॉलेज में से किसी एक आपको मिलेगी। तो इस तरह से अपने आप को समझ के ही काम करना है। तो आइए दोस्तों, फिर देखते हैं इसका जो और इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में देखते हैं। अभी फ़िलहाल ये मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही अभी मैं वीडियो बनाने के लिए ये किया गया हूँ, बट आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं उसको समझ के ही काम कीजिएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सी मैट्रिक्स है, मैंने जो सीट टेंटेटिव एंड में चॉइस ड्यूरिंग सीट अलॉटमेंट्स की बात करें तो ये एक प्रोस्पेक्टस है, तो कौन सा NSTI और कौन सा ITI में जो है सीट्स कितना है और किस ट्रेड के लिए सीट्स है, तो ये प्रोस्पेक्टस है, उसमें देख के ही आप जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग उसमें
कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा। तो ये सीट था, और आगे देखते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग जो है अपना फर्स्ट राउंड काउंसलिंग पेमेंट कर सकते हैं, और इस तरह से अपना सीट बुक कर सकते हैं। और जैसे ही आगे बढ़िएगा तो आपको, मैं अभी यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो आपको सारा सीट अलॉटमेंट भी दिखाएगा कि कौन सा NSTI में कितना सीट्स मतलब फुल हो चुका है। तो ये भी सारा डिटेल आपको मेंशंस होगा। तो ये था शॉर्ट इन्फॉर्मेशंस ऑफ ये जो है CITS में एडमिशंस के लिए जो सीट अलॉटमेंट हो रही है फर्स्ट काउंसलिंग की। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट अच्छे रैंक से पास किए हैं तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।